बस चेहरा काला काला नहीं दिखना यार थोड़ा तो। अभी मेहनत चल रही है ठीक है अब। अरे मेहनत मतलब एक कंपटीशन चल रहा है यार वो स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन का, तो उसी में लगा पड़ा हूं। कितने पूरा समर उसी में वो इससे चल स्टार्ट हुआ कि मई मिड मई से स्टार्ट हुआ सितंबर तक चलेगा। तो स्ट्रक्चर ही प्रिडिक्ट करनी है वो अननोन ही वो है नाम है किसी को नहीं क्या स्ट्रक्चर के बारे में। नहीं नहीं वो ये मतलब इस कंपटीशन का नाम है कास्ट क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन ऐसा कुछ। तो वर्ल्ड वाइड कुछ 100-200 ग्रुप अटेंड करते हैं इसमें, रिसर्च ग्रुप 200 के आसपास। फिर वो 4 महीना चलता है कंपटीशन, फिर लास्ट में वो हाँ पिछली बार तो गूगल जीत गया था 2 साल पहले मैं था मतलब 2018 में हुआ था। पीएचडी के 2 साल हो गए भाई। हाँ 2 साल हो गया पर सीखा ज्यादा कुछ नहीं निकल जाए यार। बहुत जल्दी और 3 साल ही बचा वही तो ज्यादा कुछ सीख नहीं पाया। फिर आएगा या वहीं रहेगा पता नहीं यार, आजकल तो सिचुएशन इतना खराब हो रहा है इंडिया में पता नहीं। रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है यूएसए या फिर जर्मनी जो बाहर की कंट्रीज है वहां हमें पीएचडी कैसे मिले, और इसके लिए आज आपको गाइड करेंगे हमारे परम मित्र अरूप मोंडाल। ठीक है हेलो एवरीवन। हेलो अरूप, तो मैं आपको बता दूं कि अरूप हमारे क्लासमेट थे, हम क्लासमेट थे, बहुत अच्छे दोस्त रहे आईआईटी गुवाहाटी में, और अरूप जैसा कि बहुत ही मेहनती हैं और रिसर्च में बहुत ही लगाव था, इन्होंने अपना रास्ता चुना और बहुत ही बढ़िया से सारे बाधाओं को दूर करते हुए आज यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से पीएचडी कर रहे हैं और आईआईटी में भी ये बहुत बढ़िया टॉपर रहे हैं। ठीक है, तो काफी ये प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आज अरूप आपसे सब कुछ डिस्कस करेंगे कि रास्ते क्या हैं, कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि आपको बाहर से पीएचडी मिले, और क्या मतलब डिफरेंस क्या है इंडिया और अमेरिका के पीएचडी में, सारी चीजों के आंसर देंगे अरूप। तो अरूप आपका स्वागत है मैटकेम क्लासेस में और मैटकेम के सभी दर्शकों की तरफ से भी आपका स्वागत है। थैंक यू। तो अरूप अभी आप जैसे हमारी बात हो रही थी अरूप से, तो एक्चुअली अरूप अभी काफी व्यस्त थे, वहां पे कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है और अरूप ने हमें थोड़ा सा बताया कि कॉम्पिटिशन रिलेटेड है कि आपको एक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है जिसमें बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं। अरूप इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ दे दे बच्चों को। हाँ तो ये है कि एक कंपटीशन होता है, ये होता है हर 2 साल में एक बार, इसका नाम है कास्प क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। तो बेसिकली ये होता है कि मैक्रोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन होता है, जैसे कि प्रोटीन और उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का। तो उसमें क्या होता है, इसमें हमें सबको पता है कि प्रोटीन का सीक्वेंस होता है वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्शियरी होता है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर ही होता है जो उसका फंक्शनलिटी को डिफाइन करता है। तो हमें ये करना होता है कि जो ऑर्गेनाइजर है इस कंपटीशन का, तो वो हर दिन मल्टीपल नंबर 1, 2, 3 ऐसा करके सीक्वेंस देते हैं, हमें डिलीवर करते हैं विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर उन लोगों को भी पता नहीं है 3D स्ट्रक्चर, हमें भी नहीं पता। तो उसको जैसे कि ये कॉम्पिटिशन सिर्फ कॉम्पिटिशनल वालों के लिए है, मतलब थियोरिटिकल एंड कॉम्पिटिशनल वालों के लिए। तो मैं उस ग्रुप में ऐसी फील्ड में हूँ। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो सीक्वेंस लेके अपना जो मेथड है उसको यूज करके स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना पड़ता है, और एक स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए 3 वीक्स रहता है, फिर 3 वीक्स के अंदर सबमिट करना पड़ता है उसको, फिर ऐसे कि मतलब सारे वर्ल्ड वाइड 100 या 200 ग्रुप ज्वाइन करते हैं इसमें प्रेडिक्ट करने के लिए, फिर 3-4 महीना चलता है ये कॉम्पिटिशन पूरा समर, फिर फाइनली दिसंबर में इसका रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। और ये होता है एक कॉन्फ्रेंस होता है, इस बार वो यूरोप में होगा, स्पेन फ्रांस या फिर इटली। तो उसमें अनाउंस किया जाता है कि कौन सा ग्रुप सबसे अच्छा किया। अब डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन अच्छा किया, वो करते हैं कि
स्ट्रक्चर इन द मीन टाइम, जैसे ये थियोरी ग्रुप वाले स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इन द मीन टाइम जितने भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उन लोगों को दिया जाता है वो रियल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि थियोरिटिकल तो प्रेडिक्शन है ना, और एक्सपेरिमेंटली मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर निकाला जा सकता है. तो वो लोग इन द मीन टाइम नेटिव स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेगा, फिर हम लोगों का प्रेडिक्शन से कंपेयर किया जाएगा, फिर दिसंबर में मिलेगा. बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब काफी बड़े बड़े, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप है इसमें, नोबेल लॉरियट वगैरह सारे अवार्ड से. पर दुख की बात है, मतलब पिछली बार 2008 में गूगल जीत गए कॉम्पिटिशन. मतलब उन लोगों का जो, मतलब वो उन पहले ये था ट्रेडिशनल अप्रोच की फिजिक्स बेस्ड या होमोलॉजी मॉडलिंग, ऐसे ऐसे कुछ टर्म होता है जो बेसिकली फिजिक्स बेस्ड है या फिर बायोइनफॉर्मेटिक बेस्ड है. जी, वो अच्छा करता था. फिर लास्ट बार, पहली बार गूगल ने मशीन लर्निंग यूज किया जी, तो काफी अच्छा किया उन लोगों ने. तो क्या बात है, क्या देखते हैं क्या होता है. मतलब प्रॉपर माहौल है साइंस का, और मतलब बहुत एंजॉय करते हैं. एकदम एकदम प्रॉपर, रोज हर रोज नया नया मिलता है करने के लिए, नया नया प्रेडिक्शन ऐसे ही. मतलब काफी एक्साइटिंग है ये. जी, पर वो मतलब इस पर्टिकुलर इस फील्ड के लिए, मतलब ये है. कहाँ ले जाते हैं साइंस मुझे. अरे बिल्कुल, साइंस मतलब जीवन, जीवन जीने का तरीका है, उसमें आदमी कहीं पहुंचता नहीं, बस बहुत उपाय करता है. हाँ बहुत है, सही बोला जी. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो देखिए हमारे पास क्या, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे दर्शकों के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जो मेहनत आपने करी, ठीक है, जहाँ आप अभी हो, तो उसके लिए हम जो हमारे दर्शक हैं या जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको भी गाइड करें, ठीक है. ये आपकी जो जिम्मेदारी भी है और ये हमारी खुशकिस्मती भी है, ठीक है, कि आप गाइड कर रहे हैं, सही का बच्चों का फायदा होगा, किसी का हेल्प कर सकते हो तो अच्छा लगेगा बहुत. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये मैं आपसे कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनको रिप्लाई दीजिए. और ये क्वेश्चन जो है बच्चों से ही मैंने लिए हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को पहले ही बता दिया गया था, तो बच्चे काफी बोल भी रहे थे, सर कब आएंगे, कब आएंगे सर, अरूप सर का इंटरव्यू कब आएगा. ओके, तो फाइनली इंटरव्यू आज आ गया है, ठीक है. तो जी अरूप, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो एक कंप्लीट प्रोसेस था, ठीक है, तो आपने कंप्लीट प्रोसेस फॉलो किया कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में गए, तो आप बस एक ब्रीफ हमें दे दीजिए कि जैसे आपने बैचलर्स कैसे किया, मतलब बैचलर से लेके यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, फिर मैं आपसे छोटी छोटी चीजें जरूरी है वो मैं डिटेल में पूछ लूंगा. ओके, तो आप बस ब्रीफ दे दीजिए अपने बैचलर से लेके अभी तक के सफर का. समझ गया. तो जब मैं बैचलर में था मुझे पता भी नहीं था कि रिसर्च क्या होता है इन सब बारे में, तो किसी के लिए यह बहुत लेट नहीं हो गया, मतलब कभी भी शुरू कर सकते हैं तैयारी. तो मैं मतलब ऐसे कॉलेज से किया था बैचलर्स अपना, तो उधर मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे प्रैक्टिकल कोर्सेस था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि रिसर्च होता क्या है. तो मेरा हमेशा शॉर्ट टर्म गोल रहता था कि मैं कॉलेज में हुआ, मुझे अब IIT जाना है, उसके बाद पता नहीं क्या करना है. तो क्योंकि पता नहीं था ना कि क्या होता है, तो फिर जैम दिया, फिर IIT गुवाहाटी गया. फिर उसके बाद तो गुवाहाटी जाने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में मैं देखा कि पहले मुझे पता नहीं था कि बाहर से PhD करना है, ऐसा मतलब सुना नहीं था ज्यादा. तो मेरा पहला गोल था नेट, क्योंकि नेट देना है फिर ताकि इंडिया में PhD कर सकता हो या फिर कॉलेज में पढ़ा सकता हो, कुछ भी, मतलब बाद में भी चाहिए नेट. तो नेट दिया और नेट हो गया पहले या दूसरे सेमेस्टर में, दोनों सेमेस्टर में हो गया था. फिर मैंने सोचा कि पहले सेमेस्टर में हो गया था, तो फिर मतलब फिर मैंने सोचा कि नेट हो ही गया, फिर अब क्या करूं, मतलब नेट का रैंक इम्प्रूव करूं या फिर दूसरा कुछ कर लो. फिर उसी टाइम मेरा एक सीनियर था, वो भी सेम कॉलेज से ही था, वो भी गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी में ही था वो भी. फिर उसको एक दिन मतलब ऐसे ही बातें कर रहा था उसके साथ, फिर वो बोला कि मेरा हो गया USA में. अब मुझे नहीं पता था कि कैसे होता है, फिर उसको पूछा कि कैसे हो गया, तो उसने बुलाया, फिर उसके पास गया, फिर वो मुझे मतलब पूरा डिटेल्स बोला था ऐसे ही. मतलब एट दैट पॉइंट आयो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है GRE, क्या होता है TOEFL, क्या होता है. तो ये था फेब्रुअरी था 2017 का जी, और मुझे एग्जाम देना था, अप्लाई करना था 2017 का, वो दिसंबर में होता है अप्लाई, मतलब नवंबर दिसंबर उस टाइम, तो ताकि मैं 2018 फॉल में ज्वाइन कर सकता. फरवरी में आपको पता चला और लगभग सितंबर में आपका एग्जाम था, सितंबर अक्टूबर में. हाँ मैं अक्टूबर में दिया था एग्जाम. तो ये हुआ कि मतलब मैं, मुझे पता चला फरवरी में, पर मैं श्योर नहीं था क्योंकि
मेरा इंग्लिश बहुत खराब था टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे खुद पे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा कुछ होगा इसमें, मतलब मैं जो सुना था कि बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत एकदम अच्छा इंग्लिश मतलब पता होना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है रोज रोज, ऐसे द हिंदू वगैरह काफी टफ लगता है, हां वर्ड 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 नॉलेज काफी, वर्ड स्टॉक काफी ज्यादा होना चाहिए और एक्सपेंसिव भी है एग्जाम वगैरह एप्लीकेशन सब कुछ। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था क्या करूँ क्या कर दूंगा नहीं दूंगा, फिर मैं सोचा नेट तो हो ही गया मतलब क्या ही करूँ बैठे रह गए, फिर मैं उसका शुरू कर दिया। और मतलब पहले मैं शुरू किया जो एक मागूस का ऐप आता है उनमें से, वो उसमें 1000 वर्ड रहता है, तो वो मैं याद करना शुरू किया धीरे धीरे, मतलब मैं शुरू किया अप्रैल से, एक दो महीना सोचने में निकल गया। फिर और एक चीज इम्पोर्टेंट है मतलब बाहर अप्लाई करने के लिए, वो रिसर्च एक्सपीरियंस, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उससे पहले मेरे पास एक भी नहीं था। तो मुझे एक प्रोजेक्ट करना था, तो मैं उसी टाइम मतलब अप्रैल में मार्च में मैं प्रोफेसर को मेल करता रहा इंडिया की सारे अच्छी यूनिवर्सिटी की, जैसे कि IISc, IIT, बी, ऐसे सारे यूनिवर्सिटी से सबको दिन में 50 मेल करता था कि मुझे ले लो इंटर्नशिप के लिए, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, मैं मतलब मुझे पता नहीं था क्या होता है, तो मैं सबको मेल किया, तो मुझे रिप्लाई मिला था, 4-5 मिला था एक्सेप्टेंस। फिर मैं IISc में चूज किया एक फिजिकल केमिस्ट्री के लैब में, वो एक्सपेरिमेंटल लैब था वैसे, तो समर में मैं 2 महीना किया। फिर बेंगलोर गया मैं जब मई की मिड ऑफ द मई में भी, फिर उधर से मैं ज्यादा शुरू किया इसमें GRE का प्रिपरेशन, क्योंकि वो समर था कोर्स वर्क नहीं था, तो उधर मैं क्या करता था वो जो वर्ड था 1000 वर्ड मगूस में, उसको मैं बार बार पढ़ता था लैब में बैठे रह के, लैब का काम कम करता था, वो वर्ड ज्यादा पढ़ता था क्योंकि 2 महीने रिसर्च में क्या ही कर लूंगा मैं, कुछ नहीं होगा, फिर पेपर पढ़ने में निकल जाता है 2 महीने तो। फिर वो और घर आके मैं ये करता था कि मागूस का ही एक और कोर्स है ऑनलाइन, कोर्स नहीं मतलब उन लोगों का कुछ प्रीसेट क्वेश्चन है, मतलब 700 क्वेश्चन इंग्लिश का, 700 क्वेश्चन मैथ का। कौन सी वेबसाइट बताई आपने? मागूस, स्पेलिंग बता दीजिए। MAGOOS। मागूस ना? जी जी हाँ, मागूस जी। तो उन लोगों का होता है $100 कुछ होता है उनका सब्सक्रिप्शन फीस, और 6 मंथ रहता है उसका टाइमलाइन, तो वो काफी हेल्पफुल है मैं मुझे लगता है। तो मैं हर रोज रात को आके ऐसे प्रैक्टिस करता था, मैथ तो थोड़ा आसान था, मतलब मैथ तो नहीं कह सकता मैं, मतलब जनरल क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा होता एप्टीट्यूड टाइप का, मतलब थोड़ा होता है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा कुछ आता है, पर ज्यादातर एप्टीट्यूड वगैरह ही है। और इंग्लिश में काफी जोर देना पड़ा मुझे, मैथ मुझे जोर देना पड़ा, तो मैं वही प्रैक्टिस करता था रोज रात को आके। और बुक जो है वो ये जो एग्जाम है ना वो ETS लेते हैं, ETS एक है ऑर्गेनाइजेशन USA का, तो उन लोगों का बुक आता है ETS का, GAD, TOEFL ये सब, तो काफी स्टैंडर्ड होता है वो, तो ETS का बुक फॉलो करोगे मतलब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो आपने मटेरियल मंगाया था वहां से ETS से? ETS मतलब Amazon में मिल जाता है 400-500 रुपए में। तो मैं या जून के आसपास खरीदा था, फिर मैं उधर प्रोजेक्ट करता था लैब जाके और प्रिपरेशन लेता था मतलब। फिर गुवाहाटी आ गया, कोर्स वर्क स्टार्ट हो गया, फिर मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ा एक कोर्स वर्क में कम ध्यान दिया, GRE में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया। फिर मेरा जब हो गया प्रैक्टिस, मतलब जो मागूस का जो सारे क्वेश्चंस थे सब जब हो गया, तो मैं एक मॉक टेस्ट दिया उनमें मागूस से और ETS से, 2-4 मॉक टेस्ट दिया, तो मैं देखा कि ठीक ठाक ही हो रहा है जितना चाहिए, मतलब मेरा जितना एक्सपेक्टेशन था, तो मैंने डेट चूज कर लिया कि 3 अक्टूबर में दूंगा ऐसे ही। फिर मैं अक्टूबर में दे दिया और TOEFL, फिर GRE दिया, फिर ठीक ठाक स्कोर आ गया GRE में। और फिर एक और एग्जाम देना पड़ता है, वो है TOEFL। तो TOEFL होता है कि वो डिपेंड करता है इंग्लिश स्किल के ऊपर कि तुम कैसे बोल सकते हो इंग्लिश, कितना अच्छा पढ़ सकते हो, कितना अच्छा। दोनों एग्जाम्स कंपलसरी होते हैं जो GRE, दोनों ही कंपलसरी USA के लिए। अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, मतलब 5 साल तुम किसी
इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो, मतलब अंडरग्रेड और मास्टर्स दोनों ही अगर तुम्हारा मतलब इंग्लिश मीडियम था। मेरा तो मतलब जो कॉलेज था वो बंगाली में था और मेरा सिर्फ IIT था इंग्लिश में, तो वो एक साल का ही एक्सपीरियंस था। तो एक साल नहीं, पांच साल नहीं, चार साल चाहिए। तो जिसका कॉलेज वो इंग्लिश में पढ़ाता है और IIT में जो IIT से जो है, तो उसको नहीं देना पड़ेगा। पर मैं मुझे लगता है कि मतलब TOEFL एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, तो दे देना चाहिए, उतना हो जाता है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है उसमें, वो आसानी है, और लिसनिंग स्किल वो तो सबके अच्छा है, और बाकी TOEFL तो हो ही जाता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ फ्रीज हो गया। हेलो हेलो, ठीक है फ्रीज हो गया था, सॉरी। फिर वो एग्जाम वगैरह हो गया, अब तो कर दीजिए। हाँ GRE के साथ TOEFL देना मतलब दे देना चाहिए बच्चों को, मतलब 90% बच्चों को तो देना ही पड़ेगा क्योंकि मैंडेटरी है इधर। और जो मैं जो बोला, कुछ बच्चों का होता है जिसका चार साल इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, उन बच्चों को नहीं देना पड़ता है, पर ज्यादातर यूनिवर्सिटी मांगता ही है दोनों ही, मतलब 90%। तो मतलब ये मत सोचो कि TOEFL हो या पब करना है, मतलब दोनों को ही देना है, ये सोच के चलना है। USA के लिए तो TOEFL, अगर तुम यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो उसके लिए तो IELTS कुछ ऐसा कुछ होता है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज है, और जनरली USA मेनली। हाँ, USA में अगर तुम बोध हो गए IELTS, मुझे सही से पता भी नहीं उसका नाम, तो फिर से इधर आके लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है, मतलब $100 देके, हाँ $100 देके फिर से एक इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है, तो वो देना बेकार होगा। हाँ, तो TOEFL देना ही अच्छा है, मतलब, और वो कंप्यूटर से बात करना पड़ता है TOEFL में, तो थोड़ा जो इंट्रोवर्ट टाइप का है उसके लिए अच्छा भी होगा। सामने कोई नहीं रहता, मतलब ऐसे kind of. सामने कोई नहीं रहेगा, ऐसे कि IELTS में एक लोगों से बात करना पड़ता है, तो डिपेंड करता है, मतलब हेक्टिक नहीं होता एग्जाम इतना, हेक्टिक नहीं होता काफी। USA का यही सीन है कि USA का काफी सिस्टमेटिक है, तुम अगर सिस्टमेटिकली GRE दोगे, TOEFL दोगे, एक और एग्जाम होता है वो सब्जेक्ट GRE, जो ज्यादातर यूनिवर्सिटी नहीं मांगता, पर तुम्हें अगर टॉप 20 में जाना है तो मैंडेटरी है, बहुत अच्छा करना पड़ेगा उसमें। तो अगर तुम इस सभी एग्जाम में अच्छा करोगे, TOEFL का कट ऑफ भी क्लियर कर लोगे, क्योंकि TOEFL का देयर इज कट ऑफ फॉर एवरी यूनिवर्सिटी फॉर TOEFL, लाइक कुछ का 80 होता है, कुछ का 100 होता है, तो डिपेंड करता है, तो तुम्हें उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि कहाँ अप्लाई करना है। यह भी बहुत ट्रिकी है कि तुम्हारा प्रोफाइल देखना पड़ेगा, खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम्हारे कितने प्रोजेक्ट है, तुम्हारे रिसर्च पेपर है क्या, कहाँ से मास्टर्स है, कहाँ से अंडरग्रेड है। आपने ये बता दिया था कि मतलब USA का काफी सिस्टम सिस्टमैटिक है, और पहले खुद को भी एनालाइज करिए कि आपका मतलब कैसा है रिज्यूमे, और कॉलेज को भी स्टडी करना चाहिए कि कॉलेजेस की डिमांड क्या है। एग्जैक्टली, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब प्रिपरेशन लोगे GRE के लिए, तब वो सारे यूनिवर्सिटी जितने हैं टॉप 100 में USA में, उसका सारे का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट खोल के, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट होता है ना कि मैं मान लो मुझे थ्योरी में काम करना है, अब मुझे ऐसा जगह मिल गया जहां पर मुझे ऑर्गेनिक में काम, थ्योरी में प्रोफेसर अच्छा है ही नहीं, ऑर्गेनिक में काम करना पड़ रहा, तो उसका तो करने का कुछ फायदा नहीं, मतलब कर भी नहीं सकता हूँ मैं, तो डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि सारे यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट खोल के, कहाँ कौन प्रोफेसर कैसा काम कर रहा है, उसका रिसर्च पेपर कैसे आ रहा है, मतलब फिर तुमको और अपना प्रोफाइल कैसा है, दोनों को टैली करके कुछ यूनिवर्सिटी डिसाइड करना पड़ेगा कि 8 या 10, क्योंकि 20 नहीं कर सकते हो क्योंकि ज्यादा महंगा, बहुत ज्यादा महंगा है, तो नहीं कर सकते हो, रिस्की हो जाएगा, तो जनरली लोग 8-10 ही करते हैं। ओके, मतलब ये है कि काफी मतलब हमेशा अपने मतलब ब्रेन को यूज करना हर जगह, मतलब ब्रेन, हाँ कह सकते हो, ये होता है कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन, कॉलेजेस की एनालिसिस, खुद की परफॉर्मेंस की एनालिसिस, खुद का रिज्यूमे की एनालिसिस, हाँ, ये खुद का एनालाइज करना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तुम खुद को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है, तुमने बहुत पीछे यूनिवर्सिटी अप्लाई कर लिया, तुम्हें रिजेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग सोचेगा तुम तो आओगे नहीं इधर, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर यूनिवर्सिटी भी, अप्लाई सही से चुनना पड़ेगा। जी जी, तो देखिए जो आप सुन रहे हैं, तो
अरूप सर का यही कहना है कि अगर आप जहां भी हो, आप अगर एमएससी फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप बैचलर्स में हो, तो आप अपना जो सीवी है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, अपने एकेडमिक्स को अच्छा रखें, ठीक है। और बाहर जाना है, यूएसए में जाना, तो जैसे सर ने कहा कि रिसर्च जरूरी है, प्रोजेक्ट जरूरी है, तो आप प्रोजेक्ट कर लें कि नहीं, बिना प्रोजेक्ट के तो प्रॉब्लम होगी। बिना प्रोजेक्ट में मिलना, मैं कहता हूँ 90% इम्पॉसिबल। तो जो लोग, उन लोगों से जो बीएससी में है अभी, तो उन लोगों को अगर मौका मिले कि समर में प्रोजेक्ट वगैरह करने के लिए, तो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर दैट। आई मीन वो बहुत इम्पोर्टेंट है यूएसए मिलने के लिए। और एक आधा रिसर्च पेपर आ गया तो आईवी लीग तो आसानी हो जाता है। जी तो देख लीजिए, यही है, आप प्रोजेक्ट वर्क अगर आप बैचलर्स में भी हो मिल रहा है, अगर आप मास्टर्स में हो तो प्रोजेक्ट वर्क जरूर कर ले, ठीक है, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें उस प्रोजेक्ट वर्क में, ठीक है। तो जी अरुण, आपने फिर इसके बाद जो है आप गए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में। हाँ, मुझे 3 यूनिवर्सिटी से मिला था, फिर फ्लोरिडा को चूज किया, बाकी सब कुछ देख के कि वो एक्सपेंसेस, फैकल्टी कैसा है, सब कुछ, मेरा इंटरेस्ट, मैं जिसमें काम करना चाहता हूँ वैसे फैकल्टी है क्या, तो सब कुछ डिसाइड करके मैं फ्लोरिडा चूज किया। और आप खुश हैं फ्लोरिडा में? हाँ, अभी तक सो फार ठीक ठाक है, अच्छा लग रहा है इधर। सब कुछ ठीक ठाक ही है, वेदर भी काफी अच्छा है इधर, सब कुछ अच्छा है। 2 साल भी हो गए आपको, बहुत बहुत बधाई, लगभग 2 साल हो गए। लगभग 2 साल हो गया, पर पता नहीं सीखा कितना, बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है पीएचडी में। तो ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं कि तुम एक्सपर्ट बन जाओगे पीएचडी में, पीएचडी तो ट्रेनिंग ही है। मेरा बैकग्राउंड, मतलब मैं जो प्रोजेक्ट किया था, दो, एक मास्टर्स प्रोजेक्ट, एक समर प्रोजेक्ट, तो दोनों ही पीकेएम में है, पर वो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में है, पर वो एक्सपेरिमेंटल था, पता नहीं मैं क्यों एक्सपेरिमेंटल में किया था, पर किया था, पर मतलब हाँ, मैं अभी थियोरेटिकल एंड फिजिकल केमिस्ट्री में हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट वैसे ही था शुरू से ही, पर तब पता नहीं था, मतलब वो तो मैं रैंडम मेल कर रहा था कि जहां से भी मिले एक इंटर्नशिप का है, तो मिल गया, एक्सपेरिमेंटल लैब में कर लिया। पर हाँ, तो एक बात अच्छा ही हो सका कि ये लोग मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम जान के आए हो चीजें, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि तुम जो लैब ज्वाइन करोगे उसी लैब में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस है तो तुम्हारे लिए अच्छा है, जल्दी काम करोगे पीएचडी में, पर वो नेसेसरी नहीं है, इसलिए 5-6 साल देते हैं पीएचडी के लिए लोग। मतलब अगर आप वहां जाएंगे तो आपको शुरू से, मतलब एज अ फ्रेशर ही आपको, हां शुरू से एकदम विद जीरो एक्सपीरियंस यू कैन स्टार्ट। जी ऐसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि ट्रेनिंग देने के लिए तो जरूरी है। हां हां, इसीलिए 5 साल लगता है। काफी, मतलब काफी कम समय में बहुत ज्यादा आपने प्लानिंग करी और बहुत ज्यादा पढ़ना भी पड़ा होगा। हाँ हाँ, ये डिसीजन लेना थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए। मैं जब डिसीजन लिया वो अप्रैल हो गया था, समर बचा था बस, उसमें प्रोजेक्ट भी था और फिर फॉल सेमेस्टर भी था, फॉल सेमेस्टर में कोर्स वर्क भी थोड़ा मतलब अच्छा ही था, पर वो लैब में ज्यादा, तुम लोगों को पता होगा लैब में ज्यादा रिपोर्ट लिखना पड़ता था, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करना पड़ता है। एक चीज मतलब मैं दोनों चीज अच्छे से कर नहीं पाया, मुझे थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा उस तरह, सेमेस्टर की पॉइंट ऑफ थोड़ा गवा बैठा मैं, कोई नहीं, ठीक ठाक ही है। मैं आपको बता दूं, मैं तो अरूप के साथ था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो अरूप टॉपर थे ही, बट सेकंड सेमेस्टर में भी थे, बट जैसे इनका जीआरई का क्लियर हुआ कि जीआरई करना है, तभी तो थोड़ा एकेडमिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया, बट फिर भी बहुत बहुत अच्छे हैं इनके सीपीआईटी का, जब ये खुद बताएंगे तो आप सुन लीजिएगा। ओके, इनके अकॉर्डिंग जो खराब हुआ वो आप सुनिएगा फिर कहिएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो एक बार आप शॉर्ट में बता दीजिए कि आपने बैचलर्स कहाँ से किया था। बैचलर्स में किया था एक कोलनी यूनिवर्सिटी के अंदर, एक कॉलेज है, कृष्णनाथ कॉलेज, केएन कॉलेज। ओके, तो वहां से किया था, वो जस्ट कॉलेज है, मतलब उधर रिसर्च नहीं होता है, तो कल्याणी यूनिवर्सिटी के अंदर है वो। कल्याणी यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल ना? उसके अंदर एक कॉलेज। फिर आप आईआईटी गुवाहाटी आ गए और फिर अभी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। तो जी अब ये मान लीजिए, ये तो करना होता है कि भाई बच्चों आपको मतलब एमएससी के ड्यूरिंग ही आपको प्रोजेक्ट वर्क चाहिए, आपको जीआरई का एग्जाम देना, आपको टॉपफेल का एग्जाम देना, अच्छे स्कोर अपना एकेडमिक्स अच्छा बरकरार रखना है। अब मैं थोड़ा सा आपसे क्लियर कर दूं कि जैसे मान लीजिए बैचलर्स के मार्क्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, तो ऐसा है कि बैचलर्स में मार्क्स
बहुत अच्छे होने चाहिए, जिनका कम हो, जैसे मान लीजिए 60s में हो? जिन लोगों का मास्टर से मुझे नहीं लगता बैचलर्स इतना मैटर करता है, जिन लोगों का मास्टर्स अच्छे जगह से है। मतलब अगर मास्टर्स में या फोकस कर लो, मास्टर्स में अच्छा सीपीआई रहा। हाँ हाँ, तो जिसका मास्टर्स है, क्योंकि सेकंड ईयर में आ गया तो मेरे गाइड भी अब मतलब इसमें चला गया, वो रिक्रूटमेंट में उस कमिटी में, तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज से एप्लीकेशन आता है मतलब इंडिया का, तो मुझे पूछता है कि मतलब ये सीपीआई कैसा होता है, मतलब अच्छा है या, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग होता है ना स्टैंडर्ड सीपीआई का, तो मुझे कोई नहीं पूछा कि बैचलर में ऐसा किया तो कैसा है, तो सारे मास्टर्स में करते हैं, मतलब फोकस करते हैं जिसका मास्टर्स अच्छा है। तो अरुण, आप इतना बता सकते हो अगर कि आपका ओवरऑल सीपीआई कितना था मास्टर्स में? मास्टर्स में मुझे पूरा तो ध्यान नहीं, पर होगा 9.5। ठीक है, लेकिन अरुण का सीपीआई 9.5% और जो आईआईटी गुवाहाटी का कन्वर्जन होता है परसेंटेज टू, वो मतलब सीपीआई, वो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, कि जितना सीपीआई है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे उतने परसेंटेज है, तो अरुण के मास्टर्स 9.5 सीपीआई या 95% पहले। हाँ, पर जो जब तुम इधर अप्लाई करोगे तो परसेंट तो कन्वर्ट नहीं करते, ये लोग 4 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इधर का स्केल 0-4 है। ओके, तो 4 की स्केल में अगर तुम्हारा 3.2 से ऊपर है तो यू आर गुड, मतलब आपके एकेडमिक्स को वो जो भी हो उसको 4 में रैंकिंग करते हैं, मार्क 4 में करते हैं कन्वर्ट, क्योंकि इधर 4 होता है, क्योंकि इधर का जो अंडरग्रेड सिस्टम है वो 0-4 होता है। ओके, तो आपका आपका कितना था? अब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। थ्री कितना होगा? 3.8 जी। तो देखिए सीपीआई जरूरी है, तो सीपीआई अपनी बरकरार रखें। अब मान लिया आप आईआईटीज में हैं तो कोशिश करिए कि आप 9 पॉइंटर हो, ठीक है। बट हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो यूएसए में भी हैं, उनके सीपीआई मतलब उनके 8 में भी थे, 8 पॉइंट समथिंग भी थे, बट इट में भी हो जाता है। जी जी, बट रिलेटिवली उनका जो एकेडमिक्स जो था, जो अरुप का एकेडमिक्स थोड़ा सा बेहतर होने की वजह से इनके कॉलेज काफी अच्छा है, और जो उनकी रैंकिंग है थोड़ी सी नीचे है कॉलेजेस की, कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि यूएसए में तो बहुत डाइवर्स यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि हार्वर्ड वगैरह है वो टॉप 5 में आता है, फ्लोरिडा है जो मिडिल रेंज में आता है, फिर बहुत पीछे की भी होती है, तो ऐसे ही तुम्हारा प्रोफाइल देख, तुम्हारा कितना सीपीआई है, कितना प्रोजेक्ट है, वो देख के तुम्हें वैसा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए, तो वैसे में मिलेगा। जी जी, तो देखिए पॉसिबिलिटी सबकी, बट यही अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, सारे कॉलेजेस को देखना पड़ेगा, कहाँ पे कौन से प्रोफेसर हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है, किस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके पेपर कैसे हैं। ओके, और साथ ही साथ अपने एकेडमिक्स को एकदम जितना मजबूत कर सकते हैं उतना कर लीजिए, प्रोजेक्ट एकदम जरूरी है। ओके, इतनी बातें क्लियर रहेंगे। और अगर जो है बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि जो रिसर्च का एनवायरनमेंट है इंडिया और यूएसए का, दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखा, क्योंकि आपको यहाँ भी एक्सपीरियंस था लैब में काम करने का, प्रोजेक्ट भी किया आपने, और वहां तो आप पीएचडी कर ही रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस और कौन ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगता आपको? पहली बात तो मैं कहूंगा यहाँ का रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है जी। कि मैं तो थियोरेटिकल लैब में हूँ, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट का तो पता, मेरा जो दोस्त है रूममेट्स वगैरह वो एक्सपेरिमेंट लैब में है, तो उन लोगों से बात करके पता चला कि इंडिया में एक आईआईटी में जो डिपार्टमेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है डिपार्टमेंट का, वो इधर ग्रुप में ही होता है, मतलब ग्रुप के लोगों के लिए, तो ऐसा सीन है। और इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी काफी अच्छा है, जैसे कि एनएमआर वगैरह खुद को सीखना पड़ता है, खुद को करना पड़ता है, जैसे कि मुझे मतलब मेरे दोस्त जैसे बोलते हैं ये बोलते हैं वो लोग, और इंडिया में मैं सुना सैंपल लिखना पड़ता है, तो मतलब थोड़ा इंडिपेंडेंस ज्यादा है इधर। और दूसरी बात है कि मतलब मेरा जो लैब है थियोरेटिकल कंप्यूटेशनल, उसमें तो इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ चाहिए कंप्यूटर, तो कितना कंप्यूटर रिसोर्सेस है, तो मेरा जो है 300 GPU, तो वो बहुत ज्यादा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इंडिया में इतना GPU एक ग्रुप के लिए मिलेगा। तो GPU जो आपने बताया, GPU मतलब जैसे कि कंप्यूटर में होता है ग्राफिक्स कार्ड, GPU है ना CPU GPU। Okay, तो कंप्यूटेशनल रिसर्च के लिए GPU
चाहिए बहुत ज्यादा, तो जितना ज्यादा जीपीए होगा उतना तो मैं फास्ट काम पर मतलब जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट लैब में एक ही इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर एक बंदा काम कर रहा है तो बाकी बंदों को वेट करना पड़ेगा, तो जैसे वैसे भी अगर जीपीयू बहुत ज्यादा रहा तो किसी को वेटिंग करना पड़ेगा, सबको मौका मिलेगा काम करने का। ओके ओके, मतलब एक स्पेस आपको दे दिया जाएगा सबको, किसी का काम रुकेगा नहीं, एक साथ कर सकते हैं आप उतना जो किसी का काम रिसोर्सेज ज्यादा होता है तो यही होता है। और ये और है ना कि इधर ज्यादातर फैकल्टी वो पैसों के लेके ज्यादा सोचता नहीं, मतलब अगर मैं सुना कि इंडिया में मतलब एक्सपेरिमेंट लैब में ऐसा होता है कि मैं एक बार प्रोजेक्ट करने गया था जो एक्सपेरिमेंटल लैब में, तो मैं जो मुझे जो काम मिला था तो उसके लिए एक मुझे केमिकल चाहिए था, तो मैं जिस पीएचडी के भैया के साथ उसको बोला कि ऑर्डर दे दो, वो बोल रहा अरे भाई नहीं दे सकता मैं, गाइड डांटेगा ऐसे ऐसे, और इधर पूरा इंडिपेंडेंस है, तुम्हें जो चाहिए तुम ऑर्डर कर दो, फिर गाइड को सिर्फ भेज दो कि मैं ये सामान खुद ही ऑर्डर कर सकते हो, गाइड को बता दीजिए। हां तो रिसोर्सेस बहुत मिलेगा इधर काम करने के लिए, मतलब जी वही अब ज्यादा है तो फंडिंग ज्यादा है तो पैसे ज्यादा है तो हां फंडिंग ज्यादा है, बहुत फंडिंग मिलता है इधर, रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो वहां प्रोसेस स्मूथ हो जाता है थोड़ा। हां बहुत स्मूथ हो जाता है, फास्ट होता है काम, ऐसे बहुत कुछ होता है। और डिफरेंस जो है मतलब एक होता है इधर टीए करना पड़ता है। अच्छा, तो टीए होता है कि बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बच्चे मतलब अंडरग्रेजुएट होता है इधर, तो ये दो टाइप का होता है, एक तो तुम्हें इंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, तुम्हें खुद को कोर्स डिजाइन करके पढ़ाना है, और दूसरा तुम्हें मतलब टीचिंग असिस्टेंट बना सकते, जैसे कि एक इंस्ट्रक्टर रहेगा एक प्रोफेसर वो पढ़ाएगा, और तुम्हें ऑफिस आवर होल्ड करना पड़ेगा ताकि तुम बच्चों का डाउट क्लियर करोगे, या फिर तुम्हें आंसर सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा, या फिर एक डिस्कशन क्लास भी रखेगा वीक में, तो उसमें जाके बच्चों के साथ डिस्कस करना होगा। तो वो होता है, वो एक साल मैंडेटरी है इधर यूएस के यूनिवर्सिटी में, मतलब दो सेमिस्टर तीन सेमिस्टर, उसके बाद अगर प्रोफेसर के पास बहुत ज्यादा पैसा है बहुत फंडिंग है तो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोफेसर खुद पैसा देता है, आड़े बना देता है। अगर नहीं है तो कुछ कुछ बच्चों को मैं देखा उनको लगभग मतलब 4-5 साल मतलब पूरा पीएचडी लाइफ ही करना पड़ता है, तो इसके लिए टाइम देना पड़ता है, वीक में जनरली 8-9 आवर्स वीक में होता है टीए ड्यूटी। अब डिपेंड करता है, मतलब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो लोग सोचते हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अब जिसको पढ़ाना अच्छा लगता है, जिसको मतलब चीजों साइंस अच्छा लगता है वो जिसको पढ़ाना अच्छा लगता है उसको अच्छा लगेगा, जैसे कि मुझे अच्छा लगता था, अब मैं आ रहे हुआ अब टीए नहीं रहा मैं हमें एक साल किया तीन सेमेस्टर तो मतलब आप टीए रही कि आपने मतलब कोर्स पढ़ाया? नहीं मैं टीए था, मैं कोर्स नहीं मिला पढ़ाने के लिए मुझे, तो बहुत आसान कोर्स होता है, एक होता है कि जेएनकेएम वन होता है, इधर बच्चों को शुरू करते हैं शुरू से एकदम, मतलब अंडरग्रेड की फर्स्ट सेमेस्टर जो होते हैं फ्रेशमैन उन लोगों को दिया जाता है जेएनकेएम, तो वो होता है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो होता है पढ़ाना उसके साथ डिस्कस करना होता है, मतलब उनका डाउट हो तो तुम मतलब सोते सोते भी कर सकते हो, तो बहुत आसान है और अच्छा भी लगता है जिसको वो वाला केमिस्ट्री मतलब बचपन में जो पढ़ गए थे स्कूल में या फिर कॉलेज में, हाँ बेसिक हो जाता है। और जो स्पेशलाइज्ड कोर्स है कुछ सीनियर लेवल को, मुझे एक बार मिला था एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था मुझे पढ़ना पड़ा, तो उसके लिए टाइम ज्यादा लगता है, तो डिपेंड करता है ऐसा कोर्स मिल रहा है तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बढ़िया, मतलब नॉलेज ही बढ़ेगा, नॉलेज ही बढ़ेगा। हाँ मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैं एंजॉय करता हूँ इस चीज को। जी जी बिल्कुल जी, ये है मतलब बढ़िया है, मतलब हम अपनी कंट्री को खराब नहीं कहेंगे बट यहाँ से बेहतर है। हाँ वो तो मतलब इंडिया में भी अलग अलग, ये इसका तो प्लस माइनस दोनों पॉइंट ही है। एक और है, एक और होता है इधर 6 कोर्स वर्क लेना पड़ता है। जी तो 2 साल में 6 कोर्स वर्क लेना पड़ेगा, जैसे कि मेरे यूनिवर्सिटी में रूल है कि 3 लेना पड़ेगा इन डिविजन में और 3 लेना पड़ेगा आउट ऑफ द डिविजन से, तो आउट ऑफ द डिविजन मतलब तुम ले सकते हो आउट ऑफ द डिपार्टमेंट से भी, सो जैसे कि 3 लेना पड़ा फिजिकल केमिस्ट्री से और मैं 3 लिया कंप्यूटर साइंस से क्योंकि मेरा काम है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो ऐसे कोर्स वर्क कभी कभी थोड़ा हैवी हो जाता है, पर तुम अगर IIT से हो तो उधर का कोर्स वर्क तो काफी खतरनाक है, उससे ज्यादा है कोर्स वर्क तो नहीं होता कहीं भी वर्ल्ड में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा कोर्स वर्क के लिए। IIT की ट्रेनिंग काम देती है वहाँ? बहुत काम, मतलब रिसर्च में ज्यादा काम नहीं देती, क्योंकि रिसर्च तो अलग है ना, वो जो भारी भारी कोर्स पढ़ाया था IIT में मास्टर्स में वो कोर्स वर्क में काम देता है। और एक और चीज है यूएस यूनिवर्सिटीज में जो होता है क्यूम क्यूमुलेटिव एग्जाम,
वो होता है आने के बाद हर महीने में एक बार, मतलब आठ होता है, मतलब आठ मिलेगा मौका, आठ में से चार क्वालिफाई करना पड़ेगा या फिर भगा देगा यूनिवर्सिटी से अगर नहीं कर पाया था। वो चार होता है हर महीने, एक एक होता है आने के बाद, हर महीने एक एक होता है और कंटिन्यूअस आठ महीने चलेगा ये। समर में नहीं होता तो ये यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी वेरी करता है कितना मिलेगा मौका, कितना पास करना है, पर क्यों होता है हर यूनिवर्सिटी में मैं जो सुना तो ये फंडिंग सही जा रही है कि नहीं। हाँ, परफॉर्मेंस में मतलब एक एक, जैसे कि मैं पीकेएम में हूँ तो हर महीने पीकेएम का एक एक नया नया प्रोफेसर सेट करेगा पेपर, तो वो उसके एक्सपर्टिस फील्ड में है। मान लो कि कोई काइनेटिक्स में काम कर रहा है तो एक क्यूम होगा काइनेटिक्स के ऊपर, कोई काम कर रहा है क्वांटम में तो उसका क्यूम होगा क्वांटम के ऊपर, कोई कर रहा है मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में उसका होगा मॉलिक्यूलर डायनामिक्स पे। तो वो भी मास्टर्स की नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है उसमें, मतलब अगर तुम मास्टर्स करके आए हो तो तुम्हें पता है सब कुछ कर पूरे। जी जी बिल्कुल। तो जी देखिए, आपका मास्टर्स जो है, मतलब मास्टर्स आप जितना बढ़िया करेंगे वहां तो उतना फायदा देगा, चाहे आप लैब में अच्छे से काम किए हो, चाहे आपका एकेडमिक्स अच्छा रहा हो, ठीक है आपने थ्योरी ज्यादा पढ़ी हो, सारा काम देगा। ओके, बट ये आप अपना वो बना के रखना, आपका सीपीआई वगैरह जो है अच्छे से रखना है। ओके, और क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स होता है स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए वो प्रेडिक्टिंग ट्रांजिशन स्टेट मेजर प्रोडक्ट, वो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए होता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल, और होता है मॉलिक्यूलर डायनामिक्स जिसमें हम कि जैसे कि बायो मॉलिक्यूल्स है उनको हम क्वांटम मैकेनिक्स से टैकल नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको क्लासिकल मैकेनिक्स में करना पड़ता है बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर डायनामिक्स। सो मैं काम कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर डायनामिक्स पे, तो मेरा मेन फोकस जो मैं पहले बोल रहा था प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर। बहुत बहुत बधाई हो आपके लिए, मेहनत से लगे रहिए, बहुत आगे जाइए आप इस कंपटीशन में, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। देखते क्या होता है काफी बड़े लोग हैं इस कंपटीशन में बहुत सारे, ठीक है अपना तो जितना बनता उतना तो करना है ना, कंपटीशन में आए हैं। हाँ, मतलब गोल इज नॉट टू विन द कंपटीशन, इट्स लाइक मुझे हमें पता करना है कि हमारा जो मेथड है हम कहाँ है, मतलब कहाँ स्टैंड करते हैं मतलब बाकी ग्रुप के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप है जो जीत जाएगा। जी, और एक और क्वेश्चन है कि मान लीजिए जो बच्चे मान लीजिए आईआईटी से मास्टर्स नहीं, ठीक है, आईआईटी को छोड़ के और यूनिवर्सिटी से, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, कोई मान लीजिए वेस्ट बंगाल की किसी यूनिवर्सिटी से है, ओके आईआईटी से नहीं है वो, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए कितनी कठिनाई होगी? उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर मैं नहीं कहता, मतलब ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा दो दोस्त है, एक है थापर यूनिवर्सिटी जो नहीं बोलना चाहिए पर मैंने जिसका नाम नहीं सुना था, मतलब उसने मास्टर्स किया थापर यूनिवर्सिटी से, शायद पंजाब का है। ओके। एक और है वो है अशोका यूनिवर्सिटी से, उसका भी नाम नहीं सुना था, अशोका यूनिवर्सिटी, अशोका। तो वो दोनों भी मेरे साथ इधर ही काम कर रहा है, तो मतलब यूनिवर्सिटी इज नॉट द फाइनल थिंग, मतलब तुम्हारा कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा जैम खराब हो गया, तुम्हें अच्छी जगह मिला नहीं आईआईटी वगैरह, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खराब स्टूडेंट हो, तो तुम्हें अगर कैलिबर है, तुम्हारा पॉइंटर अच्छा है, तुम्हारा अच्छा प्रोजेक्ट है, ओवरऑल सीवी अच्छा है, एक रिसर्च पेपर होता है तो वो तो बहुत अच्छा है, तो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा मास्टर जहीं से भी हो, मतलब मैटर नहीं करता ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए डोंट लूज होप, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप आईआईटी से ही हो, आप जहां हो वहां अच्छा करिए, ठीक है, वहां के जो भी पैरामीटर्स हैं वहां पे बहुत अच्छा करिए, वहां पे अच्छा सीपीआई बनाइए और रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा रिसर्च का एक्सपीरियंस लीजिए, मतलब प्रोजेक्ट कर लीजिए आप जहां भी हैं, ठीक है, तो ज्यादा कठिनाई वहां पे नहीं होगी। जी जी अरु, एक कुछ और क्वेश्चन समाप्त, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, कोई नहीं बच्चों के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है।
हाँ, और ये बच्चे पूछते हैं फेलोशिप, जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पे, तो उसके बारे में मतलब डिटेल में ही बता दीजिए कि कैसे होता है, कि मतलब कैसे कैसे यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटी कैसे वेरी करता है, और घर से पैसे ना मंगाने, मतलब घर से पैसे मंगाने पड़ते हैं कि नहीं, बच जाता है। तो ये तो वेरी करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, बेसिकली नॉट ऑन यूनिवर्सिटी है, डिपेंड करता है कि सिटी के ऊपर कि वो लोग सोच, उन लोग का सेलिंग है कि ये इस वाला सिटी इतना एक्सपेंसिव है तो इसमें इतना फेलोशिप दिया जाएगा। तो ये है कि मतलब यूएसए का सिस्टमेटिक है, जब पहले में जो बोला था कि तुम्हें जब और मिलेगा एडमिशन का तभी तुम्हें वो फेलोशिप का लेटर भी मिल जाएगा, ताकि तुम्हें इतना फेलोशिप मिलेगा पर एनम। फिर सफिशिएंट है, मतलब मोर देन इनफ है, तुम सेविंग भी कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर तुम बहुत ज्यादा लैविश लाइफ नहीं जियोगे, मतलब नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। हाँ, मतलब पढ़ाई रखो, ये नहीं कि हर हफ्ते जा रहे हैं बार में जा रहे हैं पार्टी वार्टी कर रहे हैं। मतलब बार भी काफी चीप है इधर, तो बार पे जाओ, बार में जाओगे तो फिर मतलब बच जाएगा। मेरा कुछ दोस्त है मतलब अलग कंट्री, दूसरे कंट्री का, तो उन लोगों का लाइफस्टाइल काफी अलग ही है, वो उस पास कार भी है, तो कार होगा तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा इंश्योरेंस वगैरह के, और उसकी ड्रेस भी रोज रोज नए नए कपड़े खरीदती है वो, तो मतलब ज्यादा खर्चा हो जाएगा। फिर डिपेंड करता है तुम कैसे चलोगे, पर तुम अगर सही से चलोगे तो ठीक ठाक चलोगे तो मतलब मैं जहाँ हूँ मतलब जो है इस शहर का नाम बहुत छोटा शहर है, इधर महीने में 800 से 1000 तो सेविंग कर लोगे। पैसे अच्छे मिलते हैं, काम चल जाएगा, और INR भी तो बढ़ रहा है मतलब 76 से इंडियन करेंसी में बहुत ज्यादा होता है। जी, बहुत धन्यवाद अरु इस बात को क्लियरली बताने के लिए, अकॉर्डिंग टू फेलोशिप। मतलब काफी मैं भी बहुत कंफ्यूज था, मैं बहुत लोगों को पूछता था कि कितना बचेगा, तो वो सभी बोलते थे कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर वो मतलब एक स्टैंडर्ड तो होता है, तुम मतलब बचा ही लोगे 800 से 1000, क्योंकि ऑन एन एवरेज इधर मतलब 1900 to 2000 ऐसा मिलता है फेलोशिप, 1800 to 2000 महीने का। तो तुम अगर मतलब एक वगैरह के साथ रहोगे, मतलब 3 BHK लेके या 2 BHK लेके दोस्तों के साथ, तो हो जाता है 1000 में, तो हो जाएगा सब कुछ, हजार में हो जाएगा, बाकी सब आपकी बचाते हैं। हाँ हाँ, 1000 में हो जाएगा, बाकी सब आप ले लो, भेज दो इंडिया या फिर जो करना है कर लो। जी बिल्कुल। तो जो होता है जीआरई का एग्जाम, मैं जब दिया था तो जीआरई का एग्जाम था $200, TOEFL था 150 में भी, तो हो गया 500, हो गया $500 हो गया एग्जाम का। अब एप्लीकेशन का फीस होता है ऑन एवरेज यूनिवर्सिटी का कि मान लो $70, क्योंकि $50 के आसपास एप्लीकेशन फीस और स्कोर भेजने के लिए $30, डिपेंड करता है कैलिफोर्निया में अप्लाई करोगे तो 150 लग सकता है, फ्लोरिडा में अप्लाई करोगे तो 50 में भी हो सकता है क्योंकि फ्लोरिडा काफी चीप है। तो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम मान लो कि 80 एवरेज, तो 10 यूनिवर्सिटी अप्लाई करोगे तो कितना होगा 800, तो 800 प्लस 1300। और होता है कि इधर आने का, जैसे कि फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में क्या होता है कि 2 महीने के बाद फेलोशिप मिलता है, 2 महीने बाद मुझे मिला था, सितंबर के शुरू में मिला था, मैं आया था अगस्त
उसी टाइम आया था तो 2 महीने चलाना पड़ता है, तो 2 महीने का मान लो जैसे कि अगर तुम $1,000 एक्सपेंस हर महीने का होता है तो 2 महीने का 2,000 तो 2,000 प्लस 1,300 और एयर फेयर भी है, तुम्हें आना पड़ेगा फ्लाइट की टिकट वो $1,000 मतलब $3,000 मतलब 2 महीने का खर्चा वहां पे 2000 में सब मतलब बहुत बड़ा के बोला मतलब विल बी मोर देन इन 2000 तो नाम का 500 2500 और 1500 नहीं सॉरी 800 800 बोला था ना एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन का ओके तो 20 और एयर फेयर होगा 1000 की तो 3000 ओके मतलब हां 4 से $4,500 आपको रखना पड़ेगा। ये तो मतलब काफी ज्यादा लग रहा है अमाउंट, पर ये है कि मतलब स्कोर वोर अच्छा आ गया जीआरई में, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, तब तो मतलब क्या बोलो तब तो तुम खरीद हो गए मतलब खर्चा मिल जाता है पैसे मतलब अगर जैसे कि मैं पैसे नहीं लेके आया था इधर तो दोस्त वोस्त हो जाता है इंडियन तो बहुत बंगालीज मतलब जैसे कि अपना दोस्त मिल ही जाता है, तो मैं पोस्टडॉक भाई के साथ रहता था मतलब उसके अपार्टमेंट सेम अपार्टमेंट में, तो वो जो पहले आए वो दे मतलब खर्चा किया था फिर मैं बाद में दे दिया जब फेलोशिप मिला, तो वैसे ही होता है मतलब शुरू में कि ऐसा नहीं कि जीआरडी अच्छा नहीं हुआ तो मेरा इतना पैसा बर्बाद होगा, इतना नहीं होगा, एक खराब हुआ तो एक ही मतलब उतना ही जाएगा। हाँ तो स्टेप बाय स्टेप होता है कि एप्लीकेशन किया तो इतना खर्चा हुआ, तो मैं ये जो बोला ना ये मैक्सिमम है, तुम 3000 के अंदर भी कर सकते हो मतलब 3000 के अंदर भी कर सकते हो। जी बिल्कुल अरुण, तो बहुत धन्यवाद। तो बच्चों आपके सारे आंसर्स मिल गए, कितने खर्चे होंगे, कितने आप बचा लोगे, ठीक है कैसे कैसे करना है। हाँ मतलब आ जाने के बाद तो पैसा ही पैसा होगा। हाँ अमीर हो जाएंगे आप। जी अरुण, तो बहुत धन्यवाद। हम बट आपसे बस एक लास्ट चीज है कि जैसे मान लीजिए जो बच्चे अभी एमएससी फर्स्ट ईयर में गए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है एमएससी में, ओके, उनके लिए एक बता दीजिए कि वो कैसे जल्द मतलब थोड़े शब्दों में बताइए उनको क्या करना चाहिए। जो पहले मतलब मास्टर्स अब जो 2020 में फॉल में जो मास्टर्स ज्वाइन करेगा, पहले सेमेस्टर में होंगे बच्चे मास्टर्स में, तो उनको मतलब गोल क्लियर होना चाहिए पहले, तो जैसे कि मैं अनडिसाइडेड था मुझे क्या करना है, मुझे नेट इंडिया में पीएचडी करना है या बाहर करना है, क्या करना है या प्लेसमेंट में बैठना है, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस यही था, मुझे बस नियर फ्यूचर देखता था कि मेरा ये वाला कोर्स वर्क है इसमें अच्छा करना है, मैं बस इतना ही देखता था। तो उन लोगों को मतलब पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, अच्छा किया तो मतलब अगर उन लोगों को लगता है कि बाहर जाना ही है मतलब जो डिटरमाइंड है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी से शुरू कर दे कि वर्ड वगैरह देखना, क्योंकि इसका कोई मतलब अच्छाई का तो अपर लिमिट नहीं होता है ना, मतलब 320 जीआरडी में मिला ऐसा नहीं कि तुम मतलब 20 से अच्छा है, 340 भी मिलते हैं बहुत लोगों को, तो अगर बाहर जाना ही है तो कोशिश करो कि मैक्सिमम कितना कर सकते हो, तो अभी से वर्ड वगैरह देखना शुरू कर दो, इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो पहले से मतलब, क्योंकि TOEFL में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे इंग्लिश बोलते हो, तो मतलब स्पीकिंग स्किल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इधर भी यूनिवर्सिटीज में आउट राइटिंग रीडिंग वो सेक्शन स्पीकिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किसी का स्पीकिंग अगर बहुत खराब गया तो उसको ज्यादातर लेते नहीं, क्योंकि इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो जिन लोगों का इंग्लिश में दिक्कत है, बहुत लोग होता है जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा TOEFL में, बट जिसका खराब है उसको इम्प्रूव बोलना ये दोनों फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो, और वर्ड याद करना। और एक और होता है कि फर्स्ट ईयर समर जो होता है फर्स्ट ईयर की एंड में, तो एक वो अगर तुम बाहर की कंट्री से कर सकते हो, कि मेनली अगर गोल यूएसए है तो यूएसए से ही अगर वो प्रोजेक्ट कर सकते हो, कुछ कुछ होता है जैसे कि एसएन बोस होता है, तो अगर तुम्हारा अंडरग्रेड कॉलेज अच्छा है मतलब काफी फेमस है और तुम IIT से हो, प्रोफाइल अच्छा है, तो तुम उन सब में करना शुरू करो, कि मैं भूल गया कब होता है शायद दिसंबर के आसपास होता है वो, ताकि तुम फर्स्ट ईयर समर जो होता है वो वाला इंटर्नशिप तुम बाहर से कर सकते हो, उसमें पैसा मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक रिकमेंडेशन भी एक यूएसए की प्रोफेसर से मिलेगा तो अच्छा होगा, मतलब वो काफी इम्पोर्टेंट होता है,
अच्छा तुम्हें अगर अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में, और जो जो और हम बोलो उसके एक्सपेंसेस खुद देने पड़ेंगे, पहले खुद देना पड़ता है फिर रिइंबर्स हो जाता है, जब फिर वो मिल जाता है, फिर मिल जाता है वो, कौन सा जैसे कि 2000 बता दीजिए, सेंट बोस फेलोशिप होता है एक, एक पता है मुझे, और बाकी तो तुम अगर पैसे कुछ कुछ होता है कि जैसे कि IIT कानपुर वगैरह से होता है कि मेरा जूनियर इस बार वो किया था नॉर्थ ईस्टर्न से प्रोजेक्ट किया था समर में, तो उसका उस पर अप्लाई नहीं करना पड़ा, मतलब ऐसे ही एक कोलाबोरेशन है उसमें किया था, okay. तो ये सब पूछना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से, मतलब अपना इंस्टीट्यूट से कि कोलाबोरेशन है किया कि कहाँ जा सकता है, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है ये सब चीजें, और पूरा ध्यान इसी में मत दो, मतलब GRE में, क्योंकि आफ्टर ऑल CPI भी मैटर करते हैं, मतलब काम GRE मतलब ये एक बहुत ज्यादा वियर्ड चीज है, मतलब काम करोगे केमिस्ट्री में और एग्जाम दोगे इंग्लिश का, आई पर्सनली डोंट लाइक इट, वो पर इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि तुम्हें मतलब वो लोग देखते हैं कि ये तो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर है, लोग मतलब इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, कितना समझते हैं इंग्लिश, कितना अच्छा लिख सकते हैं, डिपेंड करता है ना, क्योंकि तुम रिसर्च में वो पब्लिकेशन आएगा तुम्हारा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, इतने फास्ट रिसर्च को पढ़ के उसको समझ सकते हो, तो काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, पर लाइक एक दुख की बात है कि ये लोग देखते नहीं कि केमिस्ट्री नॉलेज कितना, मतलब देखते कि रिसर्च वगैरह कितना एक्सपीरियंस है, तो ऑल राउंड मेंटेन करने की कोशिश करो, मतलब CPI भी थोड़ा एटलीस्ट अबव 8 और प्रोजेक्ट भी अच्छी जगह से, और GRE वगैरह कुछ लोगों का होता है डर कि मतलब मेरा इंग्लिश खराब है, जैसे कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था मेरा इंग्लिश बहुत खराब है मैं नहीं कर सकता, ऐसे बात नहीं, अगर मेरा हो गया तो सबका हो सकता है अगर सही से पढ़ते, मेरा भी बहुत बेकार इंग्लिश था, तो हो जाता है इम्प्रूव, मतलब जी जी बहुत बहुत धन्यवाद इन उत्साहपूर्ण शब्दों के लिए, और एक 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 खराब हो गया मतलब तुम्हारा CPI खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मिलेगा ही नहीं, तुम्हें इसका मतलब कि तुम्हें दूसरी जगह अच्छा करना पड़ेगा, तुम्हें GRE में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, या फिर तुम्हें अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, कुछ कुछ पर वेटेज है कि तुम्हारा CPI को इतना वेटेज दिया जाएगा, कि ये लोग मतलब होलिस्टिक एनालिसिस करते हैं प्रोफाइल को, कि ये वाला कितना है, मतलब इसका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है तो इसका GPA कितना है, या फिर इसका GPA अच्छा नहीं है तो इसका GRE में स्कोर कितना है, तो सब कुछ देख के लोग डिसाइड करते हैं पहले स्टेक तो एक एलिमेंट खराब हो भी गया तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एक जो हमारे पास जो बच्चे हैं मान लीजिए जिनका MSc पास आउट है, ठीक है, MSc पास आउट मान लीजिए पास के एक साल दो साल हो गया है, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं? वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इधर इधर लोग हैं जो MSc के बाद 4-5 साल जॉब किया उसके बाद अप्लाई किया, और या ऐसा भी है जो MSc के बाद 2 साल प्रोजेक्ट कर रहा था फिर अप्लाई किया, उन लोगों का बेसिकली थोड़ा आसानी होता है, मतलब एक्स्ट्रा फेलोशिप भी मिलता है कभी कभी, क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा होता है ना, कोई अगर मास्टर्स के बाद 2 साल प्रोजेक्ट कर रहा है इंडिया में तो उसका तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, अगर एक आधा पेपर भी आ गया तो मतलब एक आधा पेपर आ गया तो अच्छी बात है, तो उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ मतलब थोड़ा आसानी हो जाता है। ओके, मतलब जो ड्रॉप कर रहे हैं जिनका 1-2 साल गया था, मतलब 2 साल फ्रूटफुल होना चाहिए। एग्जैक्टली, मुझे पहले ये लगता था कि एक साल ड्रॉप दिया रहा है तो इसका मतलब इसका CV में मतलब खराब हो गया, ऐसा कुछ बात नहीं, बहुत लोगों का होता है, करंट स्टूडेंट कम है इधर, मैं आके जो देखा मतलब जो सीधा मास्टर्स देख आए, क्योंकि हेक्टिक हो जाता है बहुत लोगों के लिए कि कोर्स वर्क भी संभालना है, प्रोजेक्ट करना है, ऐसा नहीं कर नहीं पाओगे, ऐसा कि तुम्हें बहुत फास्ट डिसीजन लेना होता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, ये करना है, इसमें टाइम ज्यादा देना है, इसमें कम देना है, GRE अप्लाई करना है, जैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में सिर्फ कोलकाता में ही है वो GRE का सेंटर, तो बार बार मतलब दूसरी जगह से कोलकाता जाना है एग्जाम देने के लिए, तो इसलिए बहुत लोग मतलब कर नहीं पाते करंट ईयर में, तो ज्यादातर लोग जो आते हैं वो 1 साल प्रोजेक्ट के बाद अच्छा पेपर वेपर लेके अच्छा हो जाता है उन लोगों का। जी तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल 1-2 साल बाद भी पॉसिबल है, हाँ 2 सालों का फ्रूटफुल बनाए पॉसिबल तो आप उसमें प्रोजेक्ट वगैरह कर ले, ऐसा नहीं कि तुम बैठे रहो 2 साल तो थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाता है कि तुम प्रोजेक्ट करते रहो, 2 साल आपका प्रोडक्टिव रहा हो तो वहां पे हेल्प करेगा। जी अरुण,
बहुत बहुत धन्यवाद अरुप, काफी लगभग सारे सवालों के जवाब आपने दे ही दिए बच्चों को, ठीक है। बट अगर आप कुछ शब्द कहना चाहें जो बच्चे रिसर्च के लिए मोटिवेटेड है, ठीक है, तो उनके लिए कुछ शब्द बोल दीजिए ताकि वो रिसर्च की तरफ जाएं। तो मैं, ये काफी अच्छा होगा अगर तुम पहले से ही मोटिवेटेड हो रिसर्च के लिए और तुम्हें पता है कि तुम्हें किस पे काम करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा ये कि अगर तुम्हें पता है कि मुझे इस फील्ड में काम करना है तो अभी से रिसर्च पेपर देखना शुरू कर दो कि कैसा कैसा काम हो रहा है इस फील्ड में, और ग्रुप भी जो मैं जाना चाहता हूँ उसमें देखो कि उस फील्ड का प्रोफेसर कैसा है, वो कैसा काम कर रहा है। तो ऐसा क्या होगा कि तुम पहले से अपडेटेड रहोगे कि अगर किसी को थ्योरी में काम करना है, पहले से पता है, तो तुम पहले से कोडिंग सीखना शुरू कर दो कि पाइथन, फोर्ट्रान, जो जो होता है। तो केमिस्ट्री में सी यूज नहीं करते ज्यादातर लोग, बेसिकली क्वांटम में फोर्ट्रान और बाकी लोग पाइथन वगैरह, जैसे कि मैथमेटिका कुछ कुछ मतलब लैंग्वेज वगैरह कुछ सीख के रखो, मैटलैब वगैरह, क्योंकि अगर तुम कोडिंग भी सीखोगे और रिसर्च भी सीखोगे आके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो सब चीजें हेल्पफुल होगा क्योंकि जिसको पता है कि हमें इसमें ही करना है। एक्सपेरिमेंटल वालों के लिए भी शायद वही होगा कि मतलब जो चाहता है कि मैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काम करूंगा ऐसा कुछ, तो उसको पहले से ही रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ने के लिए पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इधर आने के बाद डिसीजन लेने में मतलब कोई दिक्कत नहीं होता। इधर बोलते ये लोग कि विथ जीरो एक्सपीरियंस विल टेक, मतलब हम सिखा देंगे सब कुछ, पर खुद का ही है ना कि ज्यादा 6 साल लग जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले से अगर तुम्हें कुछ मतलब तुम्हें पता है फील्ड के बारे में तो ये काफी हेल्पफुल होगा। और मतलब इतना मुश्किल नहीं है, मतलब जैसे मैं पहले ही बोला कि कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब इंग्लिश खराब है नहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ बात नहीं है। एक एग्जाम होता है, एग्जाम 4-5-6 महीने पढ़ लोगे तो कोई भी एग्जाम क्लियर हो सकता है, मतलब अच्छे से प्रिपरेशन लोगे तो। मैं याद किया था वो वर्ड में भूल भी गया, मतलब सिर्फ एग्जाम पर्पस होता है वो याद में नहीं, मतलब उसमें ऐसा वर्ड होता है कि जो लोग यूज नहीं करते वो सिर्फ एग्जाम के पर्पस ही होते हैं, तो वो याद कर लो फिर। मतलब नेटिव लोगों को भी देना पड़ता है ना वो एग्जाम, तो मतलब सिर्फ तुम अकेले नहीं जो जीआरई देना पड़ रहा है, यूएसए के लोगों को भी जीआरई देना पड़ता है, तो इसका मतलब वो जनरल इंग्लिश नहीं है। जैसे कि कुछ वर्ड है नेटिव लैंग्वेज में जो हमें नहीं पता, हिंदी में, बंगाली में, ऐसा भी वर्ड होता है, वो जीआरई में ऐसे ही होता है कि जनरली लोगों को पता नहीं होता, तो सबको ही देना पड़ता है वो एग्जाम। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो तुम अगर 5-6 महीने प्रिपरेशन लोगे तो 320 के आसपास स्कोर आ गया तो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो तुम, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। जी अरुप, बहुत बहुत धन्यवाद अरुप इस सेशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमारे लिए समय निकाला, बच्चों के लिए समय निकाला, और हम पूरे मेडकैंप परिवार की तरफ से आपके भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एक भी बच्चों को हेल्प मिल गया इससे तो बहुत खुश हूँ मैं। जी जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बच्चों को ही जो मैंने आपसे पूछे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।